हेलो एवरीवन, मेवाड़ नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन एक नया डिसऑर्डर, एक नया चैप्टर कैरी ऑन करेंगे, ब्लड। ब्लड की अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी कैरी ऑन करेंगे, देन आफ्टर अपन इसके डिसऑर्डर पर जाएंगे, डिसऑर्डर भी डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपना आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्लड की पढ़ेंगे, ब्लड होल ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे RBC होती है, WBC होती है, प्लेटलेट होती है, तो सारी की सारे पैरामीटर एक बार हम इजीली डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। हम कल आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं, उससे पहले जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिसने क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, उसने वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास का नोटिफिकेशन हर उस स्टूडेंट तक पहुंचा दे जिसको इस क्लास की ज़रूरत है। तो हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं। ब्लड इंट्रोडक्शन, ब्लड का इंट्रोडक्शन सबसे पहले यहाँ पर लर्न करेंगे कि ब्लड का इंट्रोडक्शन के अंदर अपन क्या क्या चीज़ें लर्न करते हैं। मेनली जो चीज़ आती है वो जिसके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो पहला है, इट इज़ ए स्पेशल टाइप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो ब्लड होता है वो क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो भी स्पेशल टाइप की सेल होती है, एक प्रकार की क्या होती है, स्पेशल टाइप की सेल होती है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू टाइप की सेल होती है। देन अपने पास में आता है, ब्लड रोटेट इन ब्लड वेसल्स एंड रोटेट ऑल ओवर बॉडी। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड कहाँ रोटेट होता है, मतलब ब्लड कहाँ बहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब आर्टरी और वेंस के अंदर, किस किस में, आर्टरी और वेंस के अंदर, और रोटेट होता है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, ऑल ओवर बॉडी के अंदर यह ब्लड रोटेट होता है। टोटल वेट, टोटल बॉडी वेट का 7.8% ब्लड पाया जाता है। टोटल बॉडी वेट, अगर किसी का बॉडी वेट यहाँ पे 45 है, 45 की जगह आप मान लो 54 मान लो, 54 kg है किसी का वेट अगर बाय चांस, तो उसका 7 से 8%, और 7 से 8% कितना होगा इसके अंदर अगर अपन काउंट करेंगे तो, 54 का 7 से 8% कितना होगा, तो यहाँ पर 7 से 8% ही आएगा, सॉरी 7 से 8 kg आएगा, तो ये 7 से 8 kg। तो नॉर्मली 6 kg यहाँ पे माना जाता है, 5 to 6 kg यहाँ पे ब्लड माना जाता है। अब 7 से 8% के अंदर मान लो किसी का वेट 50 किलो है, 50 किलो का 10% तो 10 किलो हुआ, और यहाँ पे 7 से 8 kg बता रखा है, सॉरी 50 का 10% यहाँ पे 5 kg हुआ, और 5 kg, 5 के 5 में से भी 7-8%, मतलब 4 kg के लगभग इसका मतलब ब्लड आएगा, कितना आएगा, 4 kg, 50 किलो का जो पर्सन है उसका 4 kg यहाँ पे ब्लड आएगा, 4 kg उसकी पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर ब्लड होगा। तो यहाँ तक था अपना नॉर्मल पैरामीटर। इसके बाद में अगर बात करें तो इट इज़ ए ओपेक, ओपेक यानी अपारदर्शी, मतलब पारदर्शी नहीं है। अगर ब्लड किसी के अंदर अपन फील कर देते हैं किसी वाइल के अंदर, तो उसको उसके पीछे वाला दृश्य अपन नहीं देख सकते, मतलब एक प्रकार पानी जैसा नहीं होता है, फ्लूड तो होता है लेकिन जिस प्रकार से पानी पारदर्शी होता है, तो उसी प्रकार से यह पानी पानी की तरह पारदर्शी नहीं होता, यह अपारदर्शी होता है, मतलब पीछे की अपन कुछ भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसका लाल कलर होता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसकी गाढ़ा होता है बिल्कुल, और ये विस्कोसिटी कितनी होती है, 3.4 to 5.4, ये इसकी विस्कोसिटी होती है, मतलब इसका गाढ़ापन होता है। तो ब्लड यहाँ पे गाढ़ापन लिए होता है। देन नेचर एल्कलीन, एक होता है गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो होता है यहाँ पे एसिडिक, और ब्लड होता है वो एल्कलीन, क्यों, क्योंकि इसका पीएच कितना है, 7.36 to 7.41,
ये इसका पीएच होता है, ये एल्कलिन कैटेगरी का होता है, हल्का सा एल्कलिन होता है, क्योंकि उदासीन यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा, अगर न्यूट्रल से कम होता, अगर 7 से कम होता तो वो एसिडिक माध्यम का होता। देन टेम्परेचर ऑफ ब्लड, अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, एक होता है टेम्परेचर ऑफ ब्लड और दूसरा क्वेश्चन बनता है टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, दोनों ही अलग अलग है। ह्यूमन बॉडी अगर पूछे तो सिंपली लिखना है अपन को 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना लिखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल। लेकिन अगर ब्लड का पूछे तो 37.5, याद रखना खून थोड़ा गर्म होता है, खून थोड़ा गर्म होता है, खून सबका खोलता है, तो उसी से अपन को याद रखना है कि खून थोड़ा गर्म होता है तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा, हॉट होगा, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस ये होता है टेम्परेचर ब्लड का, और 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, और इस 37 को अपन बोल सकते हैं 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट में भी ये वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यू अपने पास है, एक तो 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, और इसी को अपन अगर फॉरेनहाइट में कंसिडर करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। आर्टरी ब्लड, आर्टरी का जो ब्लड होता है वो होता है ब्राइट रेड कलर का, क्यों ब्राइट रेड कलर क्यों होता है, मतलब चमकीला लाल क्यों होता है, क्योंकि प्लस HB मतलब HB की प्रेजेंस के कारण, प्लस का अर्थ होता है प्रेजेंट का, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट यानी चमकीला कलर होता है RBC का, सॉरी वो होल ब्लड का, आर्टरी के जो ब्लड है उसका कलर, और रेड किस वजह से होता है RBC की वजह से, और हीमोग्लोबिन के कारण उसका रेड, वो रेड तो है लेकिन चमकीला है, लाल भी है लेकिन चमकीला है, वो यहाँ पे ब्राइट कलर किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से। देन मोर ऑक्सीजन एंड लेस CO2, ऑक्सीजन यहाँ पे आर्टरी के अंदर ज़्यादा होगी, हार्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। देन CO2 कम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होगी, किसके अंदर होगी, वो आर्टरी के अंदर कम होगी, और वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगा, उल्टा सिस्टम है वेन के अंदर, ये वेन, वेन अगर पूछे तो यहाँ पर कलर पूछे वेन का तो डार्क रेड कलर होगा वेन का, जैसा कि ये ब्राइट रेड में ही मैंने लिखा है, ये डार्क रेड में ही कलर में ही लिखा है। लेस ऑक्सीजन, इसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी, और मोर CO2, CO2 यहाँ पे ज्यादा होगी, इंक्रीज मिलेगी। तो ये था यहाँ पे ब्लड का इंट्रोडक्शन, नॉर्मल पैरामीटर, और एक भी लाइन ऐसी नहीं है जहाँ से क्वेश्चन उठा के नहीं पूछे, जितनी भी सारी लाइनें हैं, जितने भी सारे पैरामीटर हैं, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना आर्टरी का कलर कौन सा होता है, ब्राइट रेड कलर, और वेन का कौन सा होता है, यहाँ पर डार्क रेड कलर। तो यहाँ पे समझ में आया, हार्ट के डायग्राम पर मत जाना, क्योंकि आजकल जो डायग्राम आते हैं वो बिल्कुल डिजिटल डायग्राम, उसमें क्या आर्टरी का कलर तो रेड दिया होता है और वेन का कलर ब्लू ब्लू दिया होता है, अपन को ऐसा नहीं लिखना है ब्लू कलर होता है, नहीं वो डार्क रेड है, वो ब्लू कलर आपको समझाने के लिए है, हाँ ये वेन है और ये आर्टरी है, तो हकीकत में क्या है वो तो सभी को पता है। तो डार्क रेड कलर होता है, उसमें ऑक्सीजन यहाँ पे कम होती है वेन के अंदर और CO2 ज़्यादा होती है, लेकिन आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और CO2 कम होता है, और HB भी वहाँ पे आर्टरी में प्रेजेंट होता है। HB क्या करता है, HB का वर्क क्या होता है, 1 ग्राम HB 1.34 RBC, 1.34 ml RBC के बराबर होता है 1 ग्राम HB, और 4 ऑक्सीजन के अणु 1 ग्राम HB, एक मतलब HB का मतलब अणु होता है वो 4 ऑक्सीजन के अणु को लेके जाता है 1 ग्राम HB। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0552, 1.065,
यानी 1.055 से लेके 1.065 तक, इनको 55 और 65 नहीं बोल सकते क्योंकि ये पॉइंट के बाद आता है, पॉइंट के बाद में कुछ भी आता है तो उसको अलग अलग ही बोला जाता है, 5.5 या 6.5 ऐसा। तो इस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है CHO के अंदर, याद रखना हेमेटोलॉजी के अंतर्गत ये ब्लड की स्टडी की जाती है, हेमेटोलॉजी। और हिम जो वर्ड है वो ब्लड के लिए ही हो जाता है, हिम और ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन याद रखना। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे पैरामीटर आएंगे, एनेमिया, मिया वर्ड भी यहाँ पे ब्लड के लिए यूज आता है, बहुत सारी चीजें, एनेमिया है वो ब्लड की कमी को शो करता है, मतलब मिया वर्ड। और हिमेटोलॉजी, हिम जो वर्ड आएगा वो आएगा यहाँ पे इसके लिए, ब्लड के लिए। सबके लिए अलग अलग वर्ड है, जैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी है, लीवर के लिए हिपेटिक है, हार्ट के लिए कार्डियक है, सारे के सारे यहाँ पे है। और किडनी के लिए स्पेसिफिक टर्म है रिनल, और स्टोमक के लिए स्पेसिफिक टर्म है गैस्ट्रिक, अलग अलग सबके लिए टर्म बनी हुई है, तो वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। देन कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन यहाँ पे ब्लड का क्या क्या रहता है, 45% ब्लड सेल होती है, 45% ब्लड का ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर सेल पाई जाती है, ओनली फॉर सेल। सेल कौन कौन सी होती है, 3 सेल होती है नॉर्मली, मानते हैं अपन कौन कौन सी होती है, WBC, RBC और प्लेटलेट, RBC, WBC और प्लेटलेट, यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, तीनों के अदर नाम भी है वो भी अपन पढ़ेंगे, तीनों को अपन फर्दर यहाँ पे डिटेल में लेके चलेंगे। तो पूरा ब्लड का चैप्टर है वो डिटेल वाला ही। प्लाज्मा 55%, यानी 55% यहाँ पे प्लाज्मा पाया जाता है। एक तो होता है यहाँ पे ब्लड सेल तो कम होती है ब्लड के अंदर, होल ब्लड के अंदर, और प्लाज्मा यहाँ पे 55% होता है। प्लाज्मा के अंदर भी जो वाइट वाटर की बात करें, ओनली फॉर H2O, तो H2O कितना होता है या वाटर कितना होता है, 90 से लेके 92% यहाँ पे वाटर पाया जाता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है चारों ही। देन प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन को ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी अपन कंसिडर करते हैं, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, प्रोटीन, फिब्रिनोजन, मिनरल साल्ट के अंदर क्या क्या आते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, pH, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम। तो यहाँ पर एक तो पोटेशियम होता है, क्लोराइड, pH मतलब ये यहाँ पे pH का मतलब वो pH नहीं, ये फॉस्फेट है याद रखना, क्या ये है, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारे के सारे साल्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट के रूप में अमाइनो एसिड और विटामिन और फैट, अमाइनो एसिड, विटामिन और फैट, विटामिन भी पाए जाते हैं जो और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन, ये सारे के सारे यहाँ पे हम वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। गैसेस कौन कौन सी होती है, ऑक्सीजन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और हार्मोन, सारे के सारे हार्मोन यहाँ पे ब्लड में ही पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर होके निकलते हैं, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड में, चाहे डक्ट के थ्रू पहुँचो चाहे बिना डक्ट के पहुँचो, लेकिन पहुँचेंगे तो ब्लड में ही ना, तो सारे के सारे हार्मोन भी यहाँ पे रिलेटेड है ब्लड से। तो यहाँ पे ये चीज़ अपन को बिल्कुल याद रखनी है, इसका जो कंपोजिशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, कंपोजिशन से ही यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आएगा आप सभी के सामने। तो यहाँ पे आगे अगर अपन देखें तो और भी बढ़िया यहाँ पे पैरामीटर अपने पास में आएगा। नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ब्लड, ब्लड की जो नॉर्मल वैल्यू हो वो कितनी होती है, सबसे पहला मेल के अंदर होता है 5 to 6 liter, कितना होता है मेल के अंदर 5 to 6 liter, कितना होता है 5 to 6 liter, ये मेल के अंदर रेंज है।
फीमेल के अंदर भी बताई है, फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर है, कितनी है 4 to 5 लीटर ये होती है फीमेल्स के अंदर। देन न्यू बॉर्न और वो भी प्री टर्म, न्यू बॉर्न है लेकिन प्री टर्म है और लेस देन 2 kg है, प्री टर्म भी कितना है लेस देन 2 kg, प्री टर्म बच्चे का तो इतना ही होता है, उसका होगा 100 ml/kg। मतलब अगर 2 kg का बच्चा है बाय चांस तो 200 ml उसका यहाँ पे ब्लड होगा, टोटल कितना होगा 200 ml, 200 ml कितना होगा ओनली फॉर 200 ml होगा उसका यहाँ पे ब्लड टोटल। देन अगर 2 kg से भी ज़्यादा का बच्चा है, अगर 2 kg से ज़्यादा का बच्चा है तो उसका होगा यहाँ पे 80 ml/kg, 80 ml/kg के हिसाब से, मतलब 3 किलो का अगर बच्चा है तो यहाँ पे 240, 240 ml, ये इतना इसका यहाँ पे ब्लड होगा अगर 3 kg का है बच्चा तो, क्योंकि टर्म की बात करें तो टर्म पे क्या कितना होता है वजन, कितना होता है 250 से ले गए थे, तो यहाँ पे 200 से 240 50 के आसपास में माना जाता है, 8 टर्म 250 माना जाता है। विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी थिकनेस 5 times more than water, वाटर से यहाँ पे 5 गुना ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी होती है, किसकी ब्लड की 5 गुना ज़्यादा इसकी विस्कोसिटी होती है, मतलब गाढ़ापन लिया होता है, ठीक है। देन टेम्परेचर अभी बता ही दिया मैंने, अभी पहले भी आ गया टेम्परेचर, वापस आ गया कोई बात नहीं, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी मैंने अब बता ही दिया, पहले ही बता दिया, अब वापस बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके फाइन, देन ओटी टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर है अपने पास में वो सारे के सारे पैरामीटर में मैं बता दूं, 18 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस, 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे माना जाता है, 21 में +3 करना है या माइनस 3 करना है, कुल मिलाकर दोनों में से एक चीज़ करनी, माइनस 3 करोगे तो 18 रेंज आएगी और +3 करोगे तो 24 रेंज आएगी, तो 18 से 24 यहाँ पे रेंज में माना जाता है, और एक्यूरेट पूछे तो 21 ओटी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर है। आईसीयू का माने तो 18 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रेंज में नॉर्मल जो एक्यूरेट है वो माना जाता है। रूम टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर तीनों का देखें तो 24 24 24 ही है कुल मिला के एक रेंज में देखे तो। ये एम्बिएंट टेम्परेचर है, रूम का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होता है अगर मुंह से लेवे आपको तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री फॉरेनहाइट कोलोस्टोमी इरीगेशन ल्यूक वॉर्म में यूज किया जाता है, 100 डिग्री फॉरेनहाइट कोलोस्टोमी इरीगेशन में यूज किया जाता है ल्यूक वॉर्म में, और 98 डिग्री फॉरेनहाइट ईयर इरीगेशन के अंदर यूज किया जाता है, ईयर इरीगेशन जब भी करते हैं 98 डिग्री फॉरेनहाइट का टेम्परेचर यहाँ पे इतना गर्म करेंगे सॉल्यूशन को। और सिड्ज बाथ का टेम्परेचर कितना होता है 110 to 115 डिग्री फॉरेनहाइट इतना होता है, 110 से 115 डिग्री फॉरेनहाइट सिड्ज बाथ का टेम्परेचर। तो ये कुछ टेम्परेचर है, आप इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे कैरी ऑन कर सकूं। इसको कोई याद रखने जैसी चीज़ नहीं है, ये सब ध्यान में रखना है कि पैरामीटर का हाँ इतना इतना टेम्परेचर इन चीज़ों का होता है। ओके फाइन, लेबर रूम का टेम्परेचर की बात करें तो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे एक मिस्टेक भी हो सकती है, कहीं कहीं आपको इसके अंदर 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा, तो ये रेंज के अंदर ही आ रहा है, ये उस रेंज के अंदर ही आ रहा है, ये भी आपका नॉर्मल है ये, लेकिन ये ऑथेंटिक बुक के अंदर यही लिखा हुआ है 26 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑथेंटिक बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कहीं कहीं सारी जगह पर कि लेबर रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री यहाँ पे सेंटीग्रेड लिखा हुआ है ओनली फॉर, तो रेंज में आपके क्वेश्चन डाल सकते हैं कोई भी, अगर 27 भी लिखे तो राइट है। सुटेबल टेम्परेचर फॉर सेल्स टू फंक्शन एफिशिएंटली 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर कितना टेम्परेचर चाहिए, सेल का मतलब पूरी बॉडी, अपनी बॉडी हो गई, अपने हाथ हो गए, अपने पैर हो गए, अगर मान लो
कड़ाके की ठंड हो, उस समय क्या है आपके हाथ पाँव काम करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है वो 37 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अगर ये तापमान नहीं है, इससे कम है, तो सेल जो है, बॉडी के सेल्स वो थोड़ी 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 अकड़ जाएगी और काम करना यहाँ पे स्टॉप कर देगी। तो 96 डिग्री फॉरेनहाइट से 99 डिग्री फॉरेनहाइट भी यहाँ पे माना जाता है। तो ये कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड यहाँ पे पैरामीटर थे आप सभी के सामने। सेल्स कितनी होती है यहाँ पे? ब्लड के अंदर 45% और प्लाज्मा 55%। ए 10 ml ऑफ होल ब्लड विल बी कलेक्टेड, अलाउ सैंपल टू क्लॉट फॉर 1 hour एट रूम टेम्परेचर। 10 ml ब्लड को, होल ब्लड को अपन कलेक्ट करके सैंपल में क्लॉट होने के लिए 1 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तब अपन को सेल अलग मिलेगी और प्लाज्मा अलग मिलेगा। प्लाज्मा प्लाज्मा ऊपर चला जाएगा, सेल सेल नीचे बैठ जाएगी। ये इस प्रकार से, ये आपकी वाइल है। तो अगर 1 घंटे तक आपने अगर इसको यहाँ पे रखा, अगर आपने 1 घंटे तक इसको यहाँ पे रखा तो क्या होगा? ये इस प्रकार से प्लाज्मा प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, प्लाज्मा प्लाज्मा तो ऊपर आ जाएगा। ये प्लाज्मा है आपका, जैसे इस वायल के अंदर। एंड आपकी जो RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, वो इस प्रकार से नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ये आपके वाइल है, ठीक है। और इस प्रकार से RBC नीचे, प्लाज्मा प्लाज्मा ऊपर, और सेल और प्लाज्मा का जो रेशियो है वो कितना होगा? 55 यहाँ पे परसेंटेज रहने वाला है। कितना रहता है? 55%। देन सेंट्रीफ्यूगल फॉर 10 मिनट एट अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको ये रीडिंग जल्दी प्राप्त करनी है, सेल और प्लाज्मा को जल्दी अगर वहाँ पे डिवाइड करना है, अलग अलग करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको एक मेथड है, वो अपनाना पकड़े पड़ेगा। आपने लेबोरेटरी में काम किया होगा ट्रेनिंग पीरियड में, या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन वो अगर नहीं किया है तो आपकी ड्यूटी जल्दी लग जाएगी और आप भी करोगे काम। तो वहाँ पे एक चक्री आती है, चक्री जैसा आता है, तो उसमें क्या वायलों को रखते हैं, जैसे ही रखते हैं सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं उसे, तो सेंट्रीफ्यूगल वो क्या घूमता है, वो 1 मिनट में 3000 राउंड काटता है, 3000 राउंड 1 मिनट में काटता है। 1 मिनट में अगर वो इतने राउंड काटेगा तो 10 मिनट में कितने काटेगा आप सोच सकते हो? 30000 राउंड काटेगा। 30000 राउंड के अंदर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली सेंट्रीफ्यूगल करने से क्या होगा कि सेल सेल है वो नीचे बैठ जाएगी, प्लाज्मा प्लाज्मा ऊपर चला जाएगा, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा, सेल नीचे बैठ जाएगी। तो ये सेल और प्लाज्मा को अलग अलग करने की यहाँ पे टेक्निक है। तो लेबोरेटरी में ये जल्दी टेस्ट करने के लिए या जल्दी काम ख़त्म करने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, तो वो क्या करती है, अलग अलग कर देती है प्लाज्मा और सेल्स को। और अगर रूम टेम्परेचर ऐसे ही नॉर्मली रखा जाए तो वो 1 घंटे में अलग अलग होगा, लेकिन अपन को जल्दी करना है तो 10 मिनट में सेंट्रीफ्यूगल मेथड से कर सकते हैं। देन ये भी मैंने बताया था, वही ये प्लाज्मा ऊपर बैठ गया है आपका, और पफी कोट ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट बीच के अंदर रहती है, और एरिथ्रोसाइट है वो आरबीसी बिल्कुल नीचे, प्लाज्मा ऊपर ही ऊपर। देन ल्यूकोसाइट एंड WBC और प्लेटलेट बीच में रहेगी, और एरिथ्रोसाइट बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाएगी, और प्लाज्मा येलो कलर। WBC बफी कोट वाइट लेयर कंसिस्ट ऑफ WBC एंड प्लेटलेट, RBC पैक्ड, RBC रेड लेयर मोस्ट अबंडेड होती है, सबसे ज्यादा होती है। कलेक्टेड ऑस्मोटिक प्रेशर इज, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है? 25 से लेके 30 mm ऑफ HG। तो यहाँ तक चीज समझ में आई सबको? बहुत ही इम्पोर्टेंट थी RBC, WBC का, यहाँ पे नॉर्मल पैरामीटर, प्लेटलेट का और प्लाज्मा का, सबका मैंने नॉर्मल पैरामीटर बताया है।
आपको। इसके बाद में अपन कैरी ऑन करते हैं यहाँ पे आरबीसी को। किसको कैरी ऑन करेंगे? आरबीसी। तो यहाँ पे आधे घंटे की क्लास अपनी हो चुकी है, इसके अंदर ओनली फॉर अपन ने ब्लड का इंट्रोडक्शन बताया। अब अपन सीधा आते हैं आरबीसी के ऊपर। एक डायग्राम दिख रहा है आपको। आरबीसी को अपन क्या बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट। क्या बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट। नॉर्मल है ये एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का शेप राउंड होता है और उसके अंदर डिस्क शेप मान सकते हैं अपन, राउंड एंड डिस्क शेप। डिस्क शेप क्योंकि उसके अंदर एक खांच नुमा स्ट्रक्चर होती है। जिस प्रकार से आपके टीवी होगी घर में, टीवी के अब अगर अगर आप छत पे जाओगे तो एक डिस्क मिलेगी, उसी शेप का होता है ये आरबीसी। डिस्क शेप का होता है या बाइकॉनकेव भी अपन मान सकते हैं। बाइकॉनकेव का अर्थ होता है यहाँ पे अवतल। उत्तल होता है एक तो, और एक होता है अवतल। उत्तल तो लेंस होता है, लेंस वाला उत्तल, और अवतल आकार के हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब आरबीसी वाज जेन स्वामर्दन। स्वामर्दन यहाँ पे जन स्वामर्दन यहाँ पे इनका नाम था वैज्ञानिक का। जन स्वामर्दन ये इनका नाम था वैज्ञानिक का, जिन्होंने फर्स्ट बार आरबीसी को यहाँ पे डिटेक्ट किया था। क्या नाम था? जन स्वामर्दन। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जन स्वामर्दन नाम था इनका। इन्होंने डिटेक्ट किया, फर्स्ट पर्सन थे इन्होंने आरबीसी को डिटेक्ट करने वाला। और इट इज आल्सो नोन एज आयरन सेल, और इसी को अपन आयरन सेल भी बोलते हैं, क्योंकि आयरन कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? आरबीसी के अंदर। आरबीसी में आयरन पाया जाता है, याद रखना। आयरन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर। देन साइज की बात करें, डिस्क शेप, बाइकॉनकेव या डंप बेल सेल शेप भी अपन इसको मान सकते हैं, या बाइकॉनकेव या डिस्क शेप भी अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इस डिस्क को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये डिस्क इस प्रकार से है। डायमीटर की बात करें तो 7.5 माइक्रोन। साइड व्यू देखने से 7.5 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, मतलब 7.5 mm। सॉरी mm नहीं है, mm से भी कम है, माइक्रोन में है ये, याद रखना। और mm का मतलब मिलीमीटर होता है, ये माइक्रोन में, उससे भी छोटी इकाई होती है माइक्रोन। तो यहाँ पे आरबीसी थिक इन मार्जिनल। मार्जिनल पे थिक, यहाँ पे थिक लिखा हुआ है, टिक नहीं है, थिक है। तो मार्जिनल यानी किनारों से यह मोटी होती है। तो यह दिख भी रहा है अपन को किनारों से मोटी है, और सेंटर से यहाँ पे पतली होती है, और ये सेंटर एरिया से थिन होती है। ये थिन है सेंटर एरिया से, क्योंकि ये बीच की तरफ खांच नुमा स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो बीच से पतली होती है। कलर डार्क रेड होता है, अभी बता दिया था पहले भी मैंने, आरबीसी का कलर होता है वो डार्क रेड होता है वेन के अंदर। एंड हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर है वो यहाँ पे कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर। कॉज्ड बाई परफायरिया एंड एचबी के कारण इसका कलर यहाँ पर रेड होता है, चमकीला रेड। कुछ पैरामीटर और है अपने पास में, पहले आप ऊपर देखें नीचे की तरफ छोड़ दें, क्योंकि यह पैरामीटर अलग है। नॉट फाइंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। देन चार ऑक्सीजन के अणु एक एचबी के बराबर। एक एचबी का अणु और चार ऑक्सीजन के अणु को मतलब इक्वल माना जाता है, मतलब एक एचबी का अणु चार ऑक्सीजन के अणु को कैरी करता हुआ चलेगा। लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी 120 डेज कितना होता है? आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो कितना होता है? 120 डेज माना जाता है नॉर्मल आरबीसी का। आरबीसी के बाद में वहाँ पे कब्रिस्तान में चली जाती है, आरबीसी का भक्षण हो जाता है। और कहाँ होता है आरबीसी का भक्षण? यहाँ पे स्प्लीन के अंदर। कहाँ पे होता है? स्प्लीन के अंदर। वो भी अलग अलग पैरामीटर है कि न्यू बॉर्न में, फिटल लाइफ में कहाँ पे होता है, वो सारा का सारा अपन पूरे अपने पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी रहने वाली है जर्नी अपनी। तो आरबीसी एडल्ट के अंदर 120 डेज माना जाता है लाइफ साइकिल,
न्यू बॉर्न के अंदर बात करें तो 80 to 90 days न्यू बॉर्न है उसके अंदर 80 to 90 days माना जाता है। प्रीटर्म की बात करें तो यहाँ पे 35 to 50 days माना जाता है। और ब्लड बैंक में RBC का यहाँ पे लाइफ स्पान की बात करें तो 35 से 42 days कंसिडर किया जाता है। और होल ब्लड की बात करें तो 28 days क्या है 28 days। और ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन। तो अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है पॉलीकिलोसाइट। पॉलीकिलोसाइट क्या होता है? एबनॉर्मली शेप्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जो शेप है, जो साइज है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? पॉलीकिलोसाइट। क्या बोलते हैं? पॉलीकिलोसाइट। देन एनिसोसाइटोसिस अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी की साइज है वो अनइक्वल हो जाएगी, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? अनिसोसाइटोसिस बोलेंगे उस कंडीशन को अपन, जब यहाँ पे अनइक्वल हो जाएगी आरबीसी की साइज एंड शेप। अनइक्वल मतलब इक्वल नहीं रहेगी। और फाइंड इन परनीशियस एनीमिया। और यह कंडीशन अपन को कहाँ पे फाइंड आउट होती है? परनीशियस एनीमिया के अंदर। कहाँ पे होती है? परनीशियस एनीमिया के अंदर अनइक्वल साइज मिलेगी आरबीसी की, एनिसोसाइटोसिस वाली कंडीशन। और पॉलीकिलोसाइट यानी एबनॉर्मल शेप। एक तो एबनॉर्मल शेप है और एक साइज इक्वल नहीं है, जितनी साइज होनी चाहिए उतनी नहीं है। और एक साइज तो इक्वल है लेकिन एबनॉर्मल है। जैसे कि एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। एबनॉर्मल का मतलब ये इस प्रकार से, आरबीसी होनी चाहिए इतनी लेकिन ये राउंड शेप की होनी चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार से है आरबीसी। इस प्रकार से बड़ी भी है, कहीं छोटी छोटी है, तो ये पॉलीकिलोसाइट है। और अनइक्वल साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की साइज इक्वल नहीं है, ये नॉर्मल आरबीसी है मान लें, और ये यहाँ पे इक्वल नहीं है। ये इस प्रकार से आरबीसी मिलेगी कहीं पर इस प्रकार से आरबीसी मिलेगी, छोटी छोटी कई मतलब टेढ़ी नुमा स्ट्रक्चर वाली आरबीसी मिल सकती है। ये एक प्रकार की एबनॉर्मल कंडीशन होती है और परनीशियस एनीमिया के अंदर इस प्रकार की आरबीसी मिलती है। एरिथ्रोपोइसिस इट इज प्रोसेस बाय विच ओरिजिन डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है? प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है? ओरिजिन होता है मतलब निर्माण होता है। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन एरिथ्रोसाइट अक्कर। एरिथ्रोसाइट होती है या आरबीसी होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है और उसका ओरिजिन होता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये एक प्रकार की प्रोसेस होती है, SIS यानी प्रोसेस होती है। SIS जिसके भी पीछे लगता है वो प्रोसेस मानी जाती है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब यहाँ पे आरबीसी का यहाँ पे प्रोडक्शन। देन एक टर्म मोर आती है हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस में क्या अंतर है? तो एरिथ्रोपोइसिस के अंदर तो ओनली फॉर एरिथ्रोसाइट का भी यहाँ पे फॉर्मेशन और मैच्योरेशन होगा, लेकिन होल ब्लड का अगर मैच्योरेशन और उसका निर्माण होता है या वो बनती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को अपन क्या कंसिडर करते हैं? हीमोपोइसिस। क्या कंसिडर करते हैं? हीमोपोइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का हमारा सेशन। देन हीमोपोइसिस, अभी बताया मैंने ब्लड सेल ओरिजिन प्रोसेस। होल ब्लड की जो ओरिजिन की प्रोसेस होती है, उसके निर्माण की जो प्रोसेस होती है, उसको अपन हीमोपोइसिस कंसिडर करते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस प्लेटलेट ओरिजिन प्रोसेस। ल्यूकोपोइसिस WBC ओरिजिन प्रोसेस। ये सारी टर्म आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। इरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस में यहाँ पे बच्चे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं, और थ्रोम्बोपोइसिस में और ल्यूकोपोइसिस में भी बड़े कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत ही यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यस, अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सबने। देन अपने पास में आता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस।
साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्या होती है, कितनी साइज होती है एरिथ्रोपोइसिस की। तो यहाँ पे साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, साइट की बात करें एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस की साइट कहाँ पे होती है एरिथ्रोपोइसिस वाली कंडीशन, तो यहाँ पे निर्माण की बात करें किसकी, आरबीसी के निर्माण की, आरबीसी कहाँ पे बनती है। तो अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर लिखे हैं क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं आरबीसी, तो आरबीसी के अलग अलग पैरामीटर पढ़ेंगे। एम्ब्रियो लाइफ में लीवर के अंदर इसका यहाँ पे आरबीसी बनती है, एम्ब्रियो यानी जब एक तो जायगोट होता है फिर एम्ब्रियो बनता है, 8 वीक से लेके यहाँ पे पीरियड होता है, सॉरी यहाँ पे 2 वीक से लेके 8 वीक तक का पीरियड होता है। तो उस वाली कंडीशन में मेन साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, ये मेन साइट होती है आरबीसी प्रोडक्शन की, 2 वीक का यहाँ पे जायगोट माना जाता है। फिटल लाइफ, फिटल लाइफ की बात करें तो 0 से 3 मंथ मेसेनकाइमल सेल ऑफ योल्क सेल, योल्क सैक के अंदर ये मेसेनकाइमल एक सेल होती है, योल्क सैक के अंदर मेसेनकाइमल सेल ये मेसोडर्म से बनती है, ये 0 से 3 मंथ तक यहाँ पे फिटल को आरबीसी बनाती है और उसको प्रोवाइड करती है, और 3 to 6 month लीवर एंड स्प्लीन बनाता है, लीवर और स्प्लेन, ये फिटल लाइफ बता रहा हूँ मैं, फिटल लाइफ मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है, 6 to 9 month ये लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन जो होती है कौन कौन सी होती है, फेमर हो सकती है, ह्यूमरस हो सकती है, आपकी रेडियस वाली अल्ना वाली बोन हो सकती है, आपकी टीबिया फिबुला हो सकती है, ये वाली बोन लॉन्ग बोन मानी जाती है, जो भी लॉन्ग बोन है उनसे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है 6 to 9 month तक, और 3 to 6 month लीवर एंड स्प्लीन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। बिलो 6 ईयर 6 साल से पहले रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन, जो सारी की सारी बोन होती है उसके अंदर जो रेड बोन मेरो होता है वहाँ से 6 साल तक की एज के पहले पहले आरबीसी का निर्माण होता है, जन्म के बाद में बाद से लेके वहाँ पे आरबीएम से बनना स्टार्ट हो जाएगा, रेड बोन मेरो से बनना स्टार्ट हो जाएगा 6 साल तक, और फिर 6 से 20 साल तक यहाँ पे लॉन्ग बोन से बनेगा, मतलब टीबिया और फीमर जैसी बोन होती है, और आफ्टर 20 ईयर और 20 साल के बाद में जिस एज में आप सभी लोग हो अभी और जो नहीं हो वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, तो ऑल मेम्ब्रेन होती है बोन ऑफ बॉडी, बोन की बॉडी की जो ऑल मेम्ब्रेन होती है सारी की सारी जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ से लाइक एज वर्टिब्रा, पेल्विस, स्टर्नम, रिप्स, और स्टर्नम से याद रखना मैक्सिमम आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, स्टर्नम से, रिप्स और क्रेनियल सेल्स ये थ्रू आउट ऑफ लाइफ, जब तक लाइफ खत्म नहीं होती है तब तक यहीं से यहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपके जन्म नहीं हुआ उससे पहले एम्ब्रियो लाइफ से लेकर यहाँ पे जहाँ तक डेथ हो जाती है पेशेंट की वहाँ तक का पैरामीटर है यहाँ पे इंक्लूड किया है हमने, और एक ही यहाँ पे स्लाइड के अंदर सारा का सारा पुट किया है, आप इसको लिखे या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, तहीं अपन आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। एम्ब्रियो लाइफ में लीवर के अंदर होता है फॉर्म, 0 से 3 मंथ की एज होती है उसमें मेसेनकाइमल सेल होती है योक सेल की, योक सैक की, और मेसोडर्म से अपन बनती है वो, और 3 to 6 मंथ की बात करें तो लीवर एंड स्प्लीन, और 6 से 9 मंथ की बात करें तो लॉन्ग बोन होती है वो इसका फॉर्मेशन करती है, लॉन्ग बोन होती है वो। बिलो 6 ईयर की बात करें तो रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन, और 6 से लेके यहाँ पे 20 ईयर की बात करें तो लॉन्ग बोन टीबिया फीमर है वो। आफ्टर 20 ईयर यहाँ पे कुछ अलग अलग पैरामीटर दे रखे हैं, मेम्ब्रेन ऑफ बोन, बॉडी की जो सारी की सारी बोन है उसकी मेम्ब्रेन, सारी की सारी मेम्ब्रेन से यहाँ पे निर्माण होता है आरबीसी का, तो वो कहाँ से, लाइक एज वर्टिब्रा, पेल्विस, स्टर्नम, मैक्सिमम रिब्स, स्टर्नम से यहाँ पे मैक्सिमम होता है रिब्स, क्रेनियल सेल थ्रू आउट ऑफ लाइफ, लाइफ के एंड तक, जहाँ तक लाइफ है उसके एंड तक भी यह चलता रहेगा, अपना ये जो कर्म है वो इसी प्रकार से चलता रहता है। देन अब आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या पढ़ते हैं वो, एप्लास्टिक एनीमिया,
एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है, याद रखना, एप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट तीनों पैरामीटर की एक साथ यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, उस पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। तो बोन मैरो डिसऑर्डर है एक प्रकार का, क्योंकि वहाँ से आरबीसी नहीं बन पाएगी। पैनसाइटोपेनिया भी इस कंडीशन को बोल सकते हैं, पैनसाइटोपेनिया। यहाँ पे जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है वो और प्लेटलेट है, तीनों नहीं बन पाएगी। ड्यूरिंग डिसऑर्डर, अब डिसऑर्डर के दौरान जब भी पेशेंट को किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है उस समय आरबीसी कहाँ से बनती है वो भी बता रहा हूँ। अब देखो, ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ बोन, अब मान लो किसी पेशेंट को बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया, पेनसाइटोपेनिया हो गया, बोन मैरो डिसऑर्डर हुआ, तो ये प्लास्टिक एनीमिया वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि बोन मैरो से जो बन रहा था आरबीसी वो नहीं बन पा रहे, ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया पेशेंट को। अब पेनसाइटोपेनिया उस कंडीशन को अपन बोलते हैं, बोन मैरो डिसऑर्डर को पेनसाइटोपेनिया भी अपन कंसिडर करते हैं, उसको उस वाली कंडीशन में पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया वाली कंडीशन हो जाती है। देन ड्यूरिंग डिसऑर्डर, जब भी ये इस प्रकार का डिसऑर्डर अपन को देखने को मिलेगा, बोन मैरो डिसऑर्डर या अदर प्रकार का जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिलेगा, ऑफ बोन आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय स्प्लीन। अब क्या करेगा, जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कौन करेगा उस समय, स्प्लीन, और स्प्लीन के अंदर भी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी का फॉर्मेशन स्प्लीन करेगा, और ब्लड स्टोर करता है स्प्लीन कितना, 350 ml, 350 ml, कितना, 350 ml यहाँ पे ब्लड को स्टोर करता है स्प्लीन, और ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है, मतलब आरबीसी का भक्षण करने का काम सबसे ज्यादा यही करता है स्प्लीन, और ये स्प्लीन ही निर्माण करेगा डिसऑर्डर वाली कंडीशन में। देखो, आरबीसी को खाता तो ये है, खाता है, नष्ट भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इतना भी ये वो नहीं है, इसका इतना भी पत्थर दिल नहीं है, ये भी पिघलता है कभी ना कभी, जब बोन मेरो डिसऑर्डर जो बनने वाला बना नहीं रहा है, इसके पास नहीं आएगा भक्षण के लिए, ये खुद ही बनाने लग जाएगा आरबीसी, न तो ये मारेगा भी है जीवित भी रखेगा, दोनों ही काम है। तो ये कुम्हार है एक प्रकार का, तो कुम्हार क्या करता है, माटी को बाहर से पीटता है, अंदर से सहलाता है, इसी प्रकार है स्प्लीन, याद रखना है स्प्लीन को, जब बोन मैरो डिसऑर्डर या पेनसाइटोपिनिया या एप्लास्टिक एनीमिया होता है तब आरबीसी कहाँ से फॉर्म होती है, स्प्लीन से, कहाँ से फॉर्म होती है, स्प्लीन से। देन बढ़ते हैं आरबीसी के इस एक रिलेटेड टॉपिक है, आरबीसी के आप साथ ही चलता है ये टॉपिक, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हिम एंड ग्लोबिन से बनता है, हिम क्या होता है और ग्लोबिन क्या होता है वो भी अपन फर्दर कैरी ऑन करेंगे। इट इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी अपन इसको बोल सकते हैं, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या होगा, एक्टिव होगा और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा। जब भी हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिया होता है पेशेंट को, तो एनीमिया वाले पेशेंट को आपने देखा होगा, जब भी हीमोग्लोबिन किसी का कम पड़ता है उस पेशेंट को देखा होगा, एक कदम दो कदम या थोड़ी दूर चलने के बाद में वो हाँपता है, सांस चलती है उसको, सांस चलने का मतलब रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाती है, वो सांस नहीं ले पाता है प्रॉपर, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन वहाँ पे कम है। हीमोग्लोबिन जब ओटू को कैरी नहीं करेगा तो ओटू जाके क्या करेगी अंदर, तो उसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सांस चलेगी, वो सांस नहीं ले पाएगा, वो होगा क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी हुई और वहाँ पे इफेक्ट डालेगा एल्विओलाई पर, एल्विओलाई पर इफेक्ट पड़ा नहीं और पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट। देन हिम और ग्लोबिन, हिम होता है 5%, ग्लोबिन होता है 95%, दोनों मिला के क्या बनते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, हिम होता है 5 और ग्लोबिन होता है 95%। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। हिम कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन, पोरफायरिन से बना होता है हिम, ओनली फॉर हिम होता है वो पोरफायरिन से बना होता है, ये 4.5 से लेके 4.6% होता है, और इसके अंदर आयरन भी होता है 0.3 से लेके 0.5%, 0.3 से लेके 0.5 यहाँ पर परसेंट आयरन होता है।
और ग्लोबिन टू अल्फा सी चेन एंड टू बीटा चेन, दो अल्फा चेन और दो ही बीटा चेन ग्लोबिन बनाती है। आरबीसी रेड कलर कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, आरबीसी का जो ब्राइट रेड कलर है, चमकीला लाल कलर है, वो किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ एचबी इन ब्लड, एचबी जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, इसी कारण उसका एक तो लाल कलर होता है वो भी चमकीला होता है। अगर आरबीसी एचबी प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे ब्लड का कलर गाढ़ा भी हो जाएगा ब्लड, और उसके अलावा और ब्लड है उसमें कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लड का कलर है वो चेंज हो जाएगा। देन 1 ग्राम एचबी कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन, 1 ग्राम एचबी 1.3434 ml होता है O2 उसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो आप सोच सकते हैं एचबी का कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंस होता है। हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आपके सामने पैरामीटर है कुछ, तो आप इसको नोट डाउन करें ताकि हम फर्दर आगे और कैरी ऑन कर सकें। बहुत सारे टॉपिक है, बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर है ब्लड, अपन ने कैरी ऑन किया है आज, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा तभी यहाँ पे जाके कुछ आपको मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखें अपन, अगर इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन माना जाता है, हिम प्लस ग्लोबिन से यह फॉर्म होता है। हिम कितना होता है? 5% होता है, ग्लोबिन कितना होता है? 95% होता है। हिम कंसिस्ट ऑफ पोरफायरिन, ये कितना होता है? 4.5 से लेकर 4.6%। एंड आयरन होता है इसके अंदर, हिम के अंदर आयरन भी होता है और पोरफायरिन होता है। आयरन कितना होता है? 0.3 से लेकर 0.5%। और ग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन पाई जाती है। देन आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन का कारण होता है, और 1 HB का अणु यहाँ पे कैरी करता है, 1 ग्राम HB किसको कैरी करता है? 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे आप सभी के सामने। देन अपने पास में आता है आगे की तरफ अगर अपन बढ़े नॉर्मल वैल्यूज। अब ये नॉर्मल वैल्यू किसकी है? मेल एडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? आपके सामने है पैरामीटर, कितनी होती है? 14 to 16.5 ग्राम per dL, 14 से 16.5 ग्राम per dL मेल के अंदर माना जाता है हीमोग्लोबिन का रेशियो। फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन का जो रेशियो है वो 12 से लेके 15 ग्राम पर डीएल माना जाता है, 12 to 15 ग्राम पर डीएल। न्यू बोर्न के अंदर 8 to 20 ग्राम पर डीएल, 8 से लेके 20 ग्राम पर डीएल माना जाता है। देन डिक्रीज इन एचबी लेवल, अगर डिक्रीज हुआ है एचबी लेवल 10 ग्राम पर डीएल से भी कम, और इफ हिमेटोक्रिट लेवल लेस देन 30%, हिमेटोक्रिट जो लेवल है वो भी 30% से अगर कम हुआ है तो क्या होगा पेशेंट को? क्या इंडिकेट करेगा? एनीमिया है पेशेंट को। क्या है? 10 ग्राम से अगर एचबी कम है और 30% हिमेटोक्रिट से भी अगर कम है तो इंडिकेट करेगा एनीमिया को। किसको इंडिकेट करेगा? एनीमिया के पेशेंट को, एनीमिया यहाँ पे है। क्या है पेशेंट को? एनीमिया है। और यहाँ पे नॉर्मल, अब आपके जहन में, आपके यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि अगर हीमेटोक्रिट 30 से कम हो रहा है तो एनीमिया है, तो नॉर्मल हीमेटोक्रिट कितना होता है? ये आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा और ये सभी को उठता है, ऑब्वियसली उठता है, मेरे भी उठा है था जब मैंने ये क्लास बनाई थी। तो हीमेटोक्रिट लेवल मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया है, तो यहाँ पे हीमेटोक्रिट मैं बता दूँ, अलग अलग पैरामीटर है, एक रेंज में बता रहा हूँ मैं, 35 से लेके 15% यहाँ पे नॉर्मल माना जाता है। तो कुछ अलग अलग पैरामीटर है यहाँ पे कि यहाँ पे 41 से लेके 15,
मेल के अंदर कंसिडर किया जाता है, और 36 से लेके या फिर 48 है वो वुमन के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो अलग अलग पैरामीटर है और दोनों का एक रेंज है आपके, आप सभी के सामने 35 से लेकर 50%, तो ये नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल होता है। 35 से 50 नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल, ये रेंज के अंदर वापिस दिया है मैंने, रेंज के अंदर 42 से लेके 44%, ये बिल्कुल एक्यूरेट रेंज है। लेकिन अगर आपको रेंज थोड़ी बड़ी भी मिलती है तो 15 तक आपको बड़ी मिल सकती है, और 15 तक का मैंने बता दिया, 35 से लेके यहाँ पे एनीमिया का कंसिडर हो रहा है। अगर मान लो 35 हो गया उसको एनीमिया थोड़ी बोलेंगे, हीमेटोक्रिट लेवल 30 से कम हो रहा है उसको एनीमिया बोले, 35 है तो नॉर्मल है वो, फिर वो एनीमिया की तरफ जाएगा 35 से कम पे। यहाँ पे 42 से लेकर 44% यहाँ पे माना जाता है नॉर्मल हीमेटोक्रिट लेवल। तो आप इसको जरूर लिख के नोट डाउन जरूर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैरामीटर के, हिम नॉर्मल वैल्यू भी दी गई है मैंने, दिए दे रखी है, और इंडिकेट करेगा अगर ये कम हुआ तो यहाँ पे एनीमिया होगा पेशेंट को। अब यहाँ पे एक फंडा काम नहीं करता है, याद रखना कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि यहाँ पे मतलब किसी पेशेंट का मान लो 14 से कम हुआ तो एनीमिया है, आप यूँ नहीं बोल सकते 16 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा। 16 से ज़्यादा अच्छी बात है, होना भी चाहिए और होता ही है बहुत सारों का, इसका मतलब वो डिजीज़ नहीं है, डिजीज कंडीशन नहीं होती है। हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा है पेशेंट के अंदर तो वो डिजीज कंडीशन नहीं होती है। हाँ, उसको ये ज़रूर हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन ज़रूर हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़े अपन, WHO गाइडिंग ऑफ एनीमिया, WHO को रिकॉर्डिंग एनीमिया, माइल्ड एनीमिया। WHO ने क्या अपन को गाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर माइल्ड एनीमिया मानते हैं तो वो 10 ग्राम पर DL है तो उसको माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट के अंदर 7 to 10 ग्राम पर DL है तो अपन मॉडरेट मानेंगे, सीवियर लेस देन 7 ग्राम पर DL है तो सीवियर एनीमिया उसको कंसिडर करेंगे, और अगर लेस देन 6.5 ग्राम है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और उस पेशेंट को नीड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। किसकी नीड है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उसको जरूरत है। वेरी सीवियर 4 ग्राम से भी कम है तो उसको वेरी सीवियर यहाँ पे मानेंगे। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं, तीन पैरामीटर तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, 10 वाला, 7 to 10 वाला और 7 से कम वाला, ये सीवियर यहाँ तक पैरामीटर सबको मिल जाएंगे, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, देखने को भी नहीं मिलता। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड किस पेशेंट को होती है, अपन लिख देते हैं एनीमिया वाले पेशेंट को, और वहाँ पे 10 ग्राम पर DL से कम है तो उसको एनीमिया मान लिया और वहाँ पे लिख दिया नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाली उसके अंदर भी होता है, वेरी सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मॉडरेट और यहाँ पे माइल्ड में अपन क्या करते हैं, ओनली फॉर ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, कुछ थेरेपी दी जाती है उसके द्वारा यहाँ पे ट्रीट किया जाता है एनीमिया को। देन अपने पास में आता है HbA1c, ग्लूकोसाइलेटेड HbA1c टेस्ट किया जाता है। ग्लूकोसाइलेटेड HbA1c टेस्ट इंडिकेट हाउ वेल ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल्ड फॉर प्रायर 3 to 4 मंथ, तो पहले उसको यहाँ पे HB से रिलेटेड है इसलिए मैंने HbA1c टेस्ट यहाँ पे पुट किया है, कि प्रीवियस यहाँ पर ग्लूकोज यानी शुगर तो नहीं है, पहले कहीं शुगर तो नहीं हुई है उसको, और डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसके अंदर भी एक पैरामीटर है 57, 64, 65, 57 यानी 57, 64 और 65, सबके बीच में पॉइंट लगाना है और बाद में परसेंटेज। तो डायबिटीज़ अगर है तो 6.5% और हायर आएगा तो डायबिटीज़ है, प्री डायबिटीज़ के अंदर क्या होगा 5.7 से लेकर 6.4% आएगा, और नॉर्मल है अगर डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ प्रेजेंट अब्सेंट है, नो डायबिटीज़, तो 5.7 से भी कम आएगा इसका परसेंटेज का लेवल HbA1c के अंदर। ये पैरामीटर भी आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कुल मिला के। देन अपन देखें अगर आगे का पैरामीटर, तो बाइंडिंग एजेंट और प्रोडक्ट अलग अलग है, बाइंडिंग एजेंट कौन सा होते हैं और प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट पे कौन कौन सा बाइंड होता है।
HB प्लस है ऑक्सीजन, HB और ऑक्सीजन जब भी मिलेंगे तो क्या बनेगा? ये CHO का क्वेश्चन है सारे के सारे, बता रहा हूँ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अब पूछ ले CHO के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इस प्रकार से बाइंडिंग एजेंट के रूप में आपके पास में ऑप्शन आते हैं, तो अपन को लिखना है HB प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HB प्लस CO2, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में मिलेगा तो कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। यहाँ पे कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, क्या बनाएगा? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। देन HB प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, दोनों ही मिलेंगे, HB प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO मिलेगा, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कार्बा अमाइनो होता है इसकी जगह, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बा अमाइनो होता है। और याद रखना कार्बो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है, जब भी पेशेंट को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी इनहेल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है पेशेंट को, जब भी ये गैस इनहेल की जाती है पेशेंट के द्वारा तो उस पेशेंट को क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। और उसके अंदर क्या होता है? गैस हैज अफिनिटी ऑफ बाइंड HB 200 टाइम मोर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से 20 गुना ज्यादा, ऑक्सीजन भी बाइंड नहीं होता है HB पे, इतना इतना ज्यादा यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो बाइंड हो जाती है। मतलब O2 तो कहाँ गई पता नहीं है, O2 तो वहां पे कम हो जाएगी। मान लो ये HB का अणु है, एक HB पे कितने 4 O2 होनी चाहिए, 4 O2 होनी चाहिए, 4 O2 के यहाँ पे होना चाहिए कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इससे भी 200 गुना ज्यादा, अबे 4 से 200 गुना ज्यादा कितना होगा? 4 का 100 गुना 400, और 800, 800 यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के जो अणु है वो इस HB पे अटैक कर देंगे एक साथ, 200 टाइम यानी 200 गुना अधिक, तो 400 यहाँ पे और कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु यहाँ पे अटैक करेंगे तो CO2 यहाँ पे दब जाएगी, CO2 यहाँ पे काम नहीं करेगी, और पेशेंट को क्या होगा? रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, उसके बाद में डिस्ट्रेस होने लग जाएगा पेशेंट को। यहाँ पर जो आपकी उसके सांस लेने की जो दर है, उसकी ब्रीथिंग रेट है वो बिल्कुल लो आने लग जाएगी, पेशेंट यहाँ पे हाँपने लग जाएगा, एक प्रकार से हाँपने लग जाएगा। देन कोज, क्या क्या कोज होता है इसका? सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोक हो सकता है, हाउस फायर, सिगरेट अगर स्मोक करता है कोई पेशेंट उसके पास में बैठने से हो सकता है, हाउस फायर अगर घर में आग लग गई है वहाँ पे और हीटर चल रहा है, और या वुड बर्निंग यानी लकड़ी जल रही है, या स्टोव्स है, स्टोव, हाँ स्टोव से याद आया कि जब पहले के ज़माने में स्टोव तो सबने देखा होगा, और नहीं भी देखा है आजकल के तो, आजकल तो नहीं मिलते हैं और गाँव में मिलते हैं आज भी कहीं कहीं पर, तो स्टोव क्या होता था? स्टोव के अंदर केरोसिन डाला जाता था, मिट्टी का तेल आता है ना, मिट्टी का तेल वो डाला जाता था, उसको डालने के बाद में एक पंप होता था, तो पंप को यहाँ पे प्रेस किया जाता था, जिस प्रकार से पंप अपन पंप पे लगाते हैं प्रेस करते हैं, उसके अंदर क्या होता था? एयर भर जाती थी, और वो एयर क्या करती थी वापस, जब भी अपने स्टोव को जलाते थे तो वो एकदम से बहुत ही स्पीड से जलता था, और उस स्पीड के कारण पूरे घर के अंदर स्टोव्स की यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस है वो सबसे ज्यादा हो जाती थी, और वहां पे दम घुटने लग जाता था, तो वहां पे दम घुटता है उस वाली कंडीशन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, अगर ज्यादा देर अपने स्टोव को चलाते हैं तो। देन आपके सामने एक पैरामीटर दिया हुआ है, एम्स जोधपुर में पूछा गया है, एम्स जोधपुर के अंदर ये पूछा गया है क्वेश्चन, दिख रहा है सबको SpO2 लेवल बता रखा है, लेकिन मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ, ये किस में काम आता है और इसका नाम क्या है? SpO2 तो दिखता है इसके अंदर, SpO2 भी दिखता है, सब दिखते हैं भाई, पर मेन इसका पर्पज क्या है? ये SpO2 मशीन नहीं है, याद रखना, ये क्या है? को ऑक्सीमीटर यूज डिटरमाइन कार्बन हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के लिए
कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल चेक करने के लिए, पेशेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितनी है अभी प्रेजेंट मात्रा में, तो उसका लेवल चेक करने के लिए। और ये SpO2 लेवल यानी ऑक्सीजन का लेवल भी साथ में बताएगा कि ऑक्सीजन लेवल कितना है और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना है बॉडी के अंदर, वो भी बताएगा, दोनों ही रेंज यहाँ पे बताएगा। तो ये को ऑक्सीमीटर है, क्या है ये को ऑक्सीमीटर, याद रखना है सबको को ऑक्सीमीटर कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटर। मैनेजमेंट क्या है पेशेंट का, अगर किसी ने कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग कर लिया है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है पेशेंट को, तो अपन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं उसका, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, अपन को 100% O2 देना है पेशेंट को। कितना O2 देना है, 100% एडमिनिस्टर O2, ऑक्सीजन देनी है 100%, याद रखना 100% O2 देनी है पेशेंट को। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाने से पहले 100% O2 दी जाती है, सक्शनिंग देने से पहले 100% O2 दी जाती है, और सक्शनिंग करने के बाद में भी 100% O2 पेशेंट को दी जाती है, याद रखना ये रिलेटेड कुछ टर्म है। देन बिफोर सक्शनिंग एंड आफ्टर सक्शनिंग, अभी मैंने बता ही दिया ये चीज, ये बताने की कोई जरूरत है नहीं अपन को। देन ये आया, अब आया आप सभी के सामने WBC या ल्यूकोसाइट, वो अपन फर्दर कल कैरी ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास थी, आज की जो हमारी जर्नी थी, वो यहीं तक थी। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन सभी तक क्लास को पहुंचावे जो जहां जिन बच्चे तक अभी तक इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। तो देखते रहिए मेवाड़ ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रोज़ डेली नए नए वीडियो देखने को मिल रहे हैं आपको, और नई नई जानकारी भी देखने को मिल रही है। अगर आपको वास्तव में अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसी लगी आपको, बुरी लगे तो बोले कि बुरी लगी, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक भी करके जाए, अच्छी नहीं लगी हो तो ऐसा कुछ नहीं है, डिसलाइक करें, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक वहाँ पर कमेंट जरूर छोड़े, यहाँ पर 2 मिनट का टाइम लेके कमेंट जरूर करें, क्योंकि वैसे भी सब कमेंट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे आप दिन भर कमेंट करते हो, इंस्टाग्राम पे दिन भर कमेंट करते हो, तो एक कमेंट इस क्लास के लिए भी होना चाहिए जो भी देख रहे हैं उनको। एक नेक्स्ट बात और है, अपन का जैसे ही ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा अपन एविजिन एनालिसिस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले आपको रेस्पिरेटरी रेट बताई जाएगी, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एनाटॉमी अपन स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर अपन एबीजी एनालिसिस का बिल्कुल अलग सा टॉपिक है, देन आफ्टर अपन वापस सिस्टम डिसऑर्डर पर आएंगे रेस्पिरेटरी के। तो एबीजी एनालिसिस का अपना 5 दिन का टॉपिक रहने वाला है, कितना 5 दिन का, तो बहुत ही बड़ा है एबीजी एनालिसिस, और उसमें अपन मेटाबॉलिक भी पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी भी पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ लेंगे एक ही साथ में। तो आज की जो हमारी क्लास थी, आज की जो हमारी जर्नी थी, वो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।